हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि इंटरनेशनल रिलेशन की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 19 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स। तो आप देख रहे हैं कि चाइना लगातार हमारे ऊपर जो इस तरीके के अटैक्स कर रहा है और दिक्कतें दे रहा है, इन वजहों के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स आने चाहिए हमारे देश के अंदर। तो अब भाई क्या फ्रेमवर्क अभी चल रहा है इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस का, पहले ये समझते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि एग्जिस्टिंग जो इंटेलिजेंस हमारा मामला चल रहा है इसके अंदर यहाँ पे कुछ एजेंसीज हैं जिनके कुछ काम हैं। सबसे ऊपर अपेक्स लेवल पे बताऊँ तो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जिसे हेड करा जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा। और इसको इसको सेटअप किया गया था सरकार के द्वारा जब 1998 के पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिस के अंदर काम करती है और ये कोऑपरेशन बना के चलती है सरकार के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बीच में और उसके साथ में इंटेलिजेंस सर्विसेज के बीच में, एक बढ़िया कोऑपरेशन बना के चलती है। अब इसके साथ यहाँ पे एडवाइस करती है, एडवाइसिंग लीडरशिप ऑन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी इशूज़ है ना, ये जो भाई जो भी आपका इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं उसमें भी वही लीडरशिप का काम करती है। अब 2018 की बात है जब एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, एक ऐसी बॉडी जिसे बनाया गया था ताकि यहाँ पे सारा का सारा जितना भी इंटेलिजेंस होता है ना उन सबको एक साथ लाएं अलग अलग एजेंसीज से और एनालाइज करें, तो ये बॉडी भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई थी इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अंदर। अब और भी कुछ यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके भी नाम बता दूँ, जैसे कि बहुत फेमस है, आपने फॉर्म भी भरा होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, जिसे 1887 में बनाया गया था। ये रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और जो भी इंडिया का डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और साथ में काउंटर इंटेलिजेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इट वॉज फर्स्ट नेम्ड इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस, इसको पहले जो है वो इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस कहते थे और बाद में इसको इसका आज का नाम दिया गया इंडिपेंडेंस के बाद, इसको आईबी रखा गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो। दूसरी जो है वो है रॉ। रॉ क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मीनवाइल ये कंट्री की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसे 1968 में बनाया गया है। ये डायरेक्ट कमांड में आती है प्रधानमंत्री के और ये एक विंग है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की भी। तीसरी आती है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको 2004 में बनाया गया था और ये टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर आती है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पार्ट भी है। उसके बाद आता है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये क्या है? इसको काम दिया है कि आप एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस करो, ठीक है, मतलब कहीं स्मगलिंग हो रही है तो उसके लिए भैया पता लगाओ इंटेलिजेंस आपकी है, एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस करनी है। बनाया गया था 1957 में और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट, नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, रॉ के हैं, एनटीआरओ के हैं, ये सारा का सारा गवर्न करा जाता है बाय द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1985 के अंदर। और इसके साथ इम्प्लॉयज़ जो कि इंडियन इंटेलिजेंस के एजेंसीज के हैं ये सब्जेक्ट हैं टू ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के, है ना, पहली बार जिसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पहली बार 1923 में लाया गया था, इनएक्ट करा गया था और ये गवर्न करता है अमंग अदर्स जो शेयरिंग है, जो भी इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है सब कुछ यही देखता है। हालांकि ये सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये इनके कुछ फंक्शंस ओवरलैप करते हैं ना, कुछ ये भी दिमाग ये भाई ये भी करेंगे भाई ये भी करेंगे, इधर डिज़ाइन के माध्यम से या कुछ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऐसा हो जाता है इनके काम करने के तरीके में, तो कुछ ना कुछ इनमें ओवरलैप करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
टॉपिक कहता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नाट ग्रिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुन रहे हैं इसको, यार समझिएगा। न्यूज़ में क्यों रहा जानते हैं, वजह ये कि नाट ग्रिड ने साइन करा एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ में, ताकि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटा बेस हो सके FIRs का और स्टोलन व्हीकल्स का, मतलब यहाँ पे एक्सेस कर सके। इसलिए इन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ में एक MOU साइन करा। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक ही जगह पे सारा डेटा हो जाएगा, जो भी FIR जो है होती हैं और उसके साथ जो भी चोरी हुए हुए गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, व्हीकल्स वगैरह होते हैं, इन सब का डेटा यहाँ पे एक ही जगह हो जाएगा। तो अब सबसे पहले जरा जान लेते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में कुछ बातें। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, बनाया गया था 1986 में, ताकि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन क्राइम्स और क्रिमिनल को लेके हो जाए, ठीक है, ताकि जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो उसको सब कुछ यहाँ से मिल जाए। क्यों बनाया गया था, किस पे बेसिस पे बनाया गया था, बनाया गया था रिकमेंडेशंस पे नेशनल पुलिस कमीशन की, जिस कमीशन को इन्होंने 1977 से 1981 तक के लिए यहाँ चली थी, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पे, जो कि 1985 की थी। उसके साथ ये बात कुछ 2009 की है, जब इस जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इसको यहाँ पे कुछ और जिम्मेदारियाँ दी गई कि आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, मिलजुल के काम करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे CCTNS प्रोजेक्ट को। अब CCTNS प्रोजेक्ट क्या है, ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर आता है। ये प्रोजेक्ट कनेक्ट करता है कुछ 15,000 से भी ज़्यादा पुलिस स्टेशन को और 6,000 हाई ऑफिसर्स को, जो कि पुलिस के हैं हमारे देश के अंदर। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है, एम ये है कि हम एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएंगे जिससे हमारी एफिशिएंसी, हमारी इफेक्टिवनेस पुलिसिंग के बढ़ेगी। कैसे, हम ई गवर्नेंस के प्रोसेस के थ्रू और चीज़ें बढ़ाएंगे, एक पूरे नेशन वाइड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मतलब पूरे देश के अंदर एक ऐसा होगा कि पूरा नेटवर्क फैला होगा, चीज़ें यहाँ कोई जुर्म हुआ यहाँ पता चल जाएगा, कहीं पर हुआ कहीं पता चल जाएगा, समझे, ई गवर्नेंस होगी। तो ये तो हमने बात कर ली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। अब हम मेन न्यूज़ पे कहाँ थे कि एक MOU साइन हुआ है दोनों के बीच में ना, डेटा को एक जगह रखने के लिए। तो अब हम न्यूज़ के बारे में और बातें जानते हैं। देखिए जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, इससे क्या होगा कि जो ये नाट ग्रिड है, ठीक है, मतलब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है, इसको एक्सेस मिल जाएगा। एक्सेस किस टाइम मिल जाएगा, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम डेटाबेस का, ये जो मैंने अभी बताया ना आपको प्रोग्राम CCTNS की डेटाबेस का पूरा एक्सेस मिल जाएगा इनको। और सारी चाहे वो स्टेट पुलिस हो, ये सबको यहाँ पे ये काम है कि आप यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो FIR है उसे यहाँ पे मैंडेट करना होगा इन्हें CCTNS में। अब इससे क्या होगा कि जो MOU है इससे होगा ये कि यहाँ पे जो नाट ग्रिड है वो इन्फॉर्मेशन पा लेगा, जो भी डिटेल्स है ना, मतलब जो भी सस्पेक्ट है, ठीक है, उस सस्पेक्ट की सारी डिटेल्स जो भी FIR के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि उसका उसके पिताजी का नाम, उसकी माता जी का नाम, टेलीफोन नंबर, उसकी डिटेल्स, सब कुछ इसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे एक ही जगह पे सारा काम हो जाएगा। अब नाट ग्रिड के बारे में कुछ बात जानते हैं। फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक अटैच्ड ऑफिस है इसके अंदर ये, और ये यहाँ पे सारा का सारा इंटेलिजेंस ग्रिड सब मिलेंगे, जिसमें सारा डेटा बेस आएगा कोर सिक्योरिटी एजेंसीज का, मतलब जो मेन सिक्योरिटी एजेंसीज है उनका सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। इसको 2008 के जो मुंबई अटैक्स हुए थे ना, उसके बाद ही इसको प्रपोज किया गया था कि ये ऐसी बॉडी बनाई जाए। ये यहाँ पे इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को असिस्ट करेगा कि आप यहाँ पे नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी इंश्योर करिए। कैसे, यहाँ पे मेन इनका उद्देश्य क्या है कि हमें टेररिज्म को काउंटर करना है। उसके साथ यहाँ पे आप समझ लीजिए, मेन समझ लीजिए रिपोजिटरी का काम कर रही है, कैसे 10 कुछ यूजर एजेंसीज को अपने में लिंक करेगा विद सर्टन डेटाबेस। इससे क्या होगा, देखिए इसने ले लिया कुछ 21 ऑर्गेनाइजेशन से डेटा और वो सारा डेटा अपने पास रख लिया, और ऐसी कोई 10 यूजर एजेंसीज होंगी जिनको ये डेटा बेस मिल पाएगा। अब डेटा बेस में क्या है, अब डेटा बेस में वो सारा डेटा है जो कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, टेलीकॉम से रिलेटेड है,
इमिग्रेशन है, एयरलाइंस या रेलवे टिकट से है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंसेस से है। अब देखिए फायदा ये है ना कि मान लो कोई भी क्रिमिनल है, अब क्रिमिनल की एक तरफ इंफॉर्मेशन चाहिए पासपोर्ट की, ट्रेन की, तो अलग अलग लोगों को जाना पड़ता था, क्रेडिट कार्ड के लिए अलग, टेलीकॉम के लिए अलग, है ना, टैक्स के लिए अलग। तो सबसे अच्छा एक ही जगह पर सारा डेटा मिल गया इनको, ठीक है। अब ये अवेलेबल होगी कई सारी सेंट्रल एजेंसीज के लिए, है ना, केस पर डिपेंड करता है, केस टू केस बेसिस पे यहाँ पे होगी। और यहाँ पे जैसे कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, रिसर्च मतलब एनालिसिस विंग रॉ हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गया, बहुत सारा ऐसा। तो हमने कुछ बात कर ली नार्ड ग्रिड के बारे में, क्लियर है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे लोन वुल्फ अटैक के बारे में, क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा, पहले समझते हैं। रिसेंटली लोन वुल्फ अटैक को किया गया बाय इंडिविजुअल इन लंदन, कहाँ किया गया, लंदन में किया गया। तो अब लोन वुल्फ अटैक क्या होते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए सारे अटैक से क्या होता है, खतरा होता है जब ये काफ़ी वायलेंस मेथड का यूज़ करते हैं, एक सिंगल परपिटेटर मतलब एक स्मॉल सेल या तो कर रहा हो या एक सिंगल बंदा हो जो ऐसा थ्रेट हो या इसने कुछ वायलेंस मेथड का यूज़ करा हो। अब लोन वुल्फ समझ लीजिए, मोस्टली अलोन का मतलब हो ना, एक बंदा हो या एक सिंगल सेल हो ऐसा समझ लो, स्मॉल सेल हो, या तो ये जो है ये एक्ट्स होते हैं ये बिना किसी डायरेक्ट सपोर्ट के होते हैं, इनको कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलता, कोई दूसरा ग्रुप इनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता या कोई दूसरा इंडिविजुअल इनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, मदद नहीं कर रहा होता इनकी प्लानिंग में, इनकी प्रिपरेशन में, या इनके अटैक को अंजाम देने में, ये अकेले ही सारा काम करते हैं, है ना। देखिए ये पूरी तरह से अकेले रहना पसंद करते हैं, इनकी जो रेडिकलाइजेशन है, जो इनका काम करने का, ये हो सकता है कि बहुत ही कोई वायलेंट मीडिया इमेजेस हो या कोई इंसिडेंटरी बुक्स या मैनिफेस्टोस या फटवास, मतलब किसी वजह से यहाँ पे ये कर सकते हैं इस काम को अपने जो है वो अंजाम दे सकते हैं। अब बहुत सारा रेंजिंग फ्रॉम थ्रेटिंग एंड इंटीमिडेटिंग पीपल, लोगों को डराने धमकाने के साथ साथ, है ना, कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ शूटिंग्स कर सकते हैं, है ना, इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग कर सकते हैं, किसी को भी गोली वोली मार दें, व्हीकल रैम्पिंग कर सकते हैं। व्हीकल रैमिंग का मतलब जानते हैं कि गाड़ी जा रही थी, पीछे से जाके भड़ धक्का मार दिया इनको गाड़ी से, दूसरी गाड़ी से टक्कर, समझे, ये सुसाइड बॉम्बिंग्स हो गई। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरा है, पता नहीं ना कि किसी बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है, ग्रुप को पकड़ लोगे, एक इंसान सब कुछ प्लान करे तो कैसे पकड़ोगे। और लॉन्ग टर्म डेटा ये दिखाता है कि जो लोन वुल्फ के अटैक का प्रोपोर्शन है ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ रहा है, हैज रिजन फ्रॉम अंडर 5% इन द मिड 1970s, मतलब 1970 के आसपास 1970s में सिर्फ और सिर्फ 5% से भी कम था, लेकिन ये 2014 और 18 के बीच में देखें तो 70% से भी ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब बहुत दिक्कतें हैं, लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। खैर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक कहता है इंडियन आर्मी प्रपोजेस टूर ऑफ ड्यूटी, क्या है, क्यों रहा न्यूज़ में, थोड़ा ये समझते हैं। देखिए इंडियन आर्मी ने प्रपोज करा है कि अब ये कॉमन सिटीजन को भी अलाउ करेंगे कि इनकी रैंक को ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन कर सके, कॉमन सिटीजन और सोल्जर्स के तौर पे भी, फॉर अ 3 ईयर शॉर्ट सर्विस बिल्ड एज टूर ऑफ ड्यूटी। समझ गए ना कि इंडियन आर्मी ने कहा कि अब कॉमन सिटीजन आम आदमी भी यहाँ पे रैंक्स ऑफिसर्स के तौर पे या सोल्जर्स के तौर पे इंजॉय कर सकते हैं 3 सालों के लिए, सिर्फ 3 सालों के लिए इंडियन आर्मी के अंदर, और इसको यहाँ पे नाम दिया गया टूर ऑफ ड्यूटी के तौर पे। तो क्या प्रपोजल है पहले ये समझते हैं। देखिए टूर ऑफ ड्यूटी एक शॉर्ट वॉलंटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो 3 सालों के लिए होगा यूथ के लिए, और इट इज़ फॉर यूथ, ये ऐसे जवानों के लिए है हु डू नॉट वॉन्ट टू मेक डिफेंस सर्विसेज देयर परमानेंट वोकेशन बट स्टिल वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द थ्रिल एंड एडवेंचर ऑफ मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म, जिनको हमें जिनको प्रोफेशन के तौर पे नहीं जाना, परमानेंटली नहीं जाना डिफेंस सर्विसेज में, बट हाँ वो एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कितना खतरनाक है, क्या एडवेंचर होता है इस मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म में, तो इनके लिए शॉर्ट टाइम के लिए 3 सालों तक के लिए। प्रपोजल सजेस्ट करता है बहुत सारे मेजर्स के लिए कि ताकि इंसेंटिवाइज करें कि इस स्कीम को, जैसे कि टैक्स फ्री इनकम होगी 3 सालों के लिए, टोकन लमसम होगा एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, प्रेफरेंस होगा पब्लिक सेक्टर जॉब्स में और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज वगैरह में, तो ये सब कुछ है।
हालांकि यहाँ पे कोई भी सेवरेंस पैकेजेस नहीं होंगे, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं होगी कि 3 साल बाद खत्म हो गए तो लो भाई पेंशन ले लो, ग्रेजुटी ले लो, लीव एनकैशमेंट ले लो, है ना। ये ऐसे लोगों के लिए जो टूर ऑफ ड्यूटी के होंगे, इनको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं होंगे। अब आप कहेंगे क्या इसके जैसी और भी की स्कीम्स हैं? जी हाँ बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर टू के बाद देर वॉज कलर सर्विस जो कि 7 से लेकर 10 सालों तक के लिए थी, और रिजर्व सर्विस जो कि 8 से लेकर 15 सालों तक के लिए थी। ऐसी स्कीम्स को लाई थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। देर इज प्रेसिडेंस ऑफ दिस मॉडल इन इसराइल। इस तरीके का यहाँ पे पहले इसराइल में भी था, क्योंकि वहाँ पे जवान लोग कम थे मिलिट्री सर्विस में, तो इस वजह से ऐसा मॉडल वहाँ पे भी यूज़ करा गया था। सिंगापुर जो है उसके पास भी मैंडेटरी नेशनल सर्विस है, ये 2 सालों तक के लिए है, हर एक मेल सिंगापुरियन को ये दी जाती है। तो यहाँ पे हमने इस पार्ट को करा कंप्लीट। टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आयस। And if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. All the link of these social media platform are in description. Also, you can join my membership and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.